चलो उठा, उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रहे एसआई अभ्यर्थियों को शनिवार देर रात पुलिस उठाकर ले गई। भड़के अभ्यर्थियों ने कहा कि हम अपराधी नहीं, और इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आधी रात पुलिस एसआई अभ्यर्थियों को प्रदर्शन स्थल से उठा ले गई। दरअसल छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग पर भूख हड़ताल कर रहे परीक्षार्थियों को शनिवार देर रात पुलिस जबरदस्ती उठा कर ले गई। पुलिस ने उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। ये सभी परीक्षार्थी नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर 5 दिनों के अनशन पर थे। बता दें कि एसआई अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल की वजह से कुछ खाना नहीं खाया था। इसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई। ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल गिरता जा रहा था। मेडिकल की टीम उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना चाहती थी। पुलिस कर्मियों ने कैंडिडेट्स को अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। इस पर परीक्षार्थी ने आपत्ति जताई। कैंडिडेट जय मोहन प्रधान ने जाने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपराधी नहीं है, लेकिन पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने जबरदस्ती सभी को गाड़ी में बैठा लिया और अस्पताल लेकर पहुंची। देखा जाए तो रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडिडेट का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पिछले 6 साल से चली आ रही है, और हाई कोर्ट ने भी 90 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया था। 9 सितंबर को 90 दिन पूरे हो गए, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में सिंगल और डबल बेंच दोनों ने भर्ती रद्द करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे पहले सभी परीक्षार्थियों ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने 15 दिन में रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया था। बता दें कि अभ्यर्थियों ने सरकार को 19 सितंबर तक रिजल्ट जारी करने का अल्टीमेटम दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार जल्द रिजल्ट घोषित नहीं करती तो वो अपने परिवार समेत उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि रिजल्ट जारी नहीं होने पर आत्महत्या ही उनके पास एक अकेला विकल्प होगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।